रिसेंटली सदगुरु जी के द्वारा एक कैंपेन शुरू किया गया है जिसका नाम है सेव सॉइल। और ये एक CBSE कंपलसरी एक्टिविटी थी जिसमें हम लोगों को स्लोगन्स, पोम्स और पोस्टर्स बना के सबमिट करना था। पर आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या ये स्लोगन्स, पोम्स और पोस्टर्स एनफ है सॉइल को सेव करने के लिए? वेल, द आंसर इज नो। ये स्कूल्स ने एक्टिविटीज इसलिए दी थी ताकि अवेयरनेस स्प्रेड हो सके, एंड वंस अवेयरनेस इज स्प्रेड वी ऑल आर सिटिंग आइडल। इट्स आर ड्यूटी टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज बिकॉज दैट्स वॉट इज अल्टीमेटली गोइंग टू सेव द सॉइल। वी नीड टू डू एफॉरेस्टेशन एंड ग्रो एज मच एज ट्रीज एज पॉसिबल। हम लोगों ने बहुत पहले एक वीडियो भी डाला था ट्री चैलेंज, और मैंने आप सबको नॉमिनेट किया था उसके लिए, एंड आई होप आप लोगों ने कम से कम एक ट्री तो प्लांट किया ही होगा। And yesterday was the 5th of June, which was celebrated as a World Environment Day. Therefore, we should plant as many trees as possible in June. This is going to save the soil. But the question is, how are trees going to save the soil? Well, the answer is simple. जब हम trees plant करते हैं तो उनके roots जो होते हैं वो soil को strongly पकड़ लेते हैं, जिससे soil erosion नहीं होता है। और अगर soil erosion नहीं होगा तो simply soil erode नहीं होगी, top soil erode नहीं होगा, जिससे कि हमारी soil safe रहेगी। Also, जब हम trees को plant करते हैं तो soil में रहने वाले millions and millions of microorganisms भी उससे safe हो जाते हैं। अगर सॉइल इरोड हो जाएगी तो बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का घर टूट जाएगा। हम लोग अपने घर में प्लांट्स बहुत सारे ग्रो करते हैं। आपके पास एक प्रेजेंटेड एग्जांपल तो यही है कि हम लोगों का इनक्रेडिबल बालकनी गार्डन आप लोगों ने देखा होगा, और उसमें आपने देखा कि हमारे घर में कितने सारे प्लांट्स हैं। ऑल्सो जब भी हमारे घर में किसी भी फैमिली मेम्बर का बर्थडे होता है, हम प्लांट्स प्लांट करते हैं, ट्रीज ग्रो करते हैं। कैसे? हमारे घर में जो प्लांट्स होते हैं जो और फर्दर उधर नहीं ग्रो सकते, उसको हम लाके इसी पार्क में, इतने बड़े पार्क में जो DDA के द्वारा बनवाया गया है, उसमें प्लांट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा वाला आंवला का प्लांट। वैसे इसमें अभी कोई लीव्स नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स किसी को भी एक न्यू एनवायरनमेंट में स्टेबल होने के लिए टाइम लगता है। आई एम वेरी श्योर कुछ समय के बाद इसमें भी लीव्स हो जाएंगी और फिर ये भी एक बहुत बड़ा ट्री बन जाएगा। बट वी पुट आर एफर्ट, और हम लोग इसको हर रोज वाटर भी कर रहे हैं। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, इसका जो सॉइल है वो अभी थोड़ा सा वेट है, तो हम इसको रेगुलर बेसिस पे वाटर करते हैं। और इवन इस पार्क के मेंटेनर्स भी कुछ कुछ स्मॉल प्लांट्स में वाटर डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है सौम्या का प्लांट जो उसने अपने बर्थडे पे ग्रो किया था, और आप ये देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो चुका है एक बहुत कम टाइम में। फ्रेंड्स, मम्मी का बर्थडे पे हम लोगों ने प्लांट नहीं ग्रो किया, क्योंकि मेरा और मम्मी का बर्थडे बहुत नियर है, एंड ऑब्वियसली केवल प्लांट ग्रो कर देने से प्लांट तो नहीं उग जाता। हमारे को उसका टेक केयर करना होगा, उसे वाटर देना होगा रेगुलरली, उसके बाद फिर उसको मैन्योर देना होगा। तो ये सब टेक केयर करना था, इसीलिए हम लोगों ने मम्मी का प्लांट फिलहाल ग्रो नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, ये आंवला का ग्रो हो गया है। जी, ये जो जितने भी लीफ है, या मतलब यहाँ पे इससे पहले भी कोई प्लांट बना था और उस प्लांट को हटा दिया गया, तो जिसमें इसमें जितने भी लीफ है और इसमें थोड़े बहुत रूट्स जो आ रहे हैं, वो सब एक मैन्योर का काम करेंगे इसके लिए। तो फ्रेंड्स, अब ये लोग इसमें वाटर डाल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एनवायरनमेंट डे पे हम लोग ने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और आंवला ट्री लगाया है। वैसे ही अगर आपने हमारी ट्री चैलेंज को देखकर आपने प्लांट ग्रो किया है तो बहुत अच्छा, नहीं किया है तो अभी भी आपके पास चांस है कि आप प्लांट ग्रो करिए। और फ्रेंड्स, जितने भी आप प्लांट्स ग्रो करेंगे या फिर जो भी आप प्लांट ग्रो करेंगे उसे प्रोटेक्ट कीजिए, और हमारे को कमेंट में बताइए कि आपने कौन सा प्लांट ग्रो किया। तो फ्रेंड्स, हमें बहुत मज़ा आया, मुझे तो इतना मज़ा आया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी एक दो और प्लांट कर देना चाहिए अभी के, इतना मज़ा आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने इस पार्क में पापा के बर्थडे में लगाया था, और ये हमारा इस पार्क में फर्स्ट प्लांट था जो हमने ग्रो किया था। इसको और इसके स्टेम को, इस सपोर्ट के लिए हमने स्टेम लगाया, और इन दोनों को हम लोगों ने ये थ्रेड फैक्ट्री के रिबन के साथ टाई कर दिया है। फ्रेंड्स, इस इतने बड़े पार्क से हमारे को लोटस टेम्पल भी दिखता है, पर हाँ ऑफ कोर्स यहाँ पे उस साइड जाने
ना जाए हम लोग, इसीलिए यहाँ पे एक बैरियर लगा दिया गया है। ये है हमारी साइकिल और हम जा रहे हैं घर की ओर।